यादव जिंदाबाद, पाल कश्यप जी जिंदाबाद, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पाल कश्यप जी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमें नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस्लामपुर दारू सफा में जहां पर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को लेकर के 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। 2022 की तैयारी तो बहुत पहले शुरू हो गई। यहां पे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का आज मनोनयन कार्यक्रम रखा गया, बहुत से लोगों का मनोनयन हुआ है। तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए और किस तरीके समाजवादी पार्टी के लिए 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आइए चलते उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है, आपका नाम? मोहम्मद नसीम कुरैशी। तो आपको आज क्या कौन सा पद दिया गया है? प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। क्या तैयारी रहेगी 2022? आज मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया है और मैं गांव विधानसभा में जाकर हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आने वाले 10 मार्च को मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण कराऊंगा। यह लक्ष्य हमारा 2022 का है। कहां से हैं आप? चिकंदरा विधानसभा, कानपुर देहात जी। तो कानपुर जो है आपका जो है बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जिस तरीके से कानपुर में बहुत सारे लोग अखिलेश यादव की लहर है, तो बहुत सारे लोगों की पूरे प्रदेश में मान ले कि अखिलेश यादव की लहर है, तो क्या लगता है आपको 403 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी फिर से आई? इंशाल्लाह 350 पार होगी इस बार। 403 में से 350 अखिलेश यादव जी? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को 350 के पार लेके जाना है। हम लोग अधिक से अधिक सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। आज कितने लोगों का मनोनयन हुआ है? आज फिलहाल तो मुझे मिला है, बाकी और भी लोगों का मनोनयन किया गया है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी मुझे प्रदेश सचिव पे नामित किया गया है। इस तरीके से वर्तमान सरकार इस समय जो है बहुत सारी उपलब्धियां कर रही है, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास कर रही, फ्री राशन बांट रही है, फ्री हर चीज दे रही है, तो उसके बारे में क्या? इस समय तो ये जुमला है सिर्फ, कोई विकास तो किया नहीं है उन्होंने, तो सिर्फ ये तो जुमला दे रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन जनता उनके उसमें नहीं आने वाली है। इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी जनता, 2022 में बीजेपी को हरा कर बाहर बाबा जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी पुनः। आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर एसपी सिंह कुशवाहा, मैं भी कानपुर से हूँ, समाजवादी पार्टी का मेन बॉडी का प्रदेश सचिव हूँ। तो आज आपको किस पद पे मनोनीत करा गया? मेरा मनोनयन तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन हम लोगों का एक टारगेट है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में बहुमत से मुख्यमंत्री बनाए, 300-350 नहीं 400 के पार होगा, इसलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और प्रदेश में कुशवाहा समाज और पिछड़े समाज और दलित समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके विपक्ष में लाल टोपी को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां होती है, इसके बारे में क्या कहें? उनके पास टिप्पणी के अलावा कुछ बचे नहीं है। लाल टोपी हमेशा जो है एक निशान रही है, एक सौंदर्य रहा है, एक ताकत का एहसास कराता रहा कि हमारा समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी है और ईमानदार अनेस्ट पार्टी है और लहिया के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, इसलिए वो लाल टोपी से घबरा रहे हैं। और आने वाले समय में मालूम है कि बाबा जी को कुर्सी खाली करना पड़ेगा, इसलिए लाल टोपी की वो बुराई कर रहे हैं। लाल टोपी की हमेशा जो है गरीबों की और दलितों की और पिछड़ों की हमेशा मदद किया है। आपको कहाँ का भार दिया गया है? अभी तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ, इसलिए तो अभी मैं पूरे प्रदेश के जिलों में दौड़ा कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा, जहाँ का प्रभारी बनाया जाए, जहाँ भी चुनाव लड़ने के कहा जाएगा, मैं वहीं पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ाऊंगा। और मैं फिर आपसे बात करता हूँ कि आने वाले समय में ये मान के चलिए कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 400 के पार जाएगी। आप कहाँ से हैं? कानपुर देहात से। क्या तैयारी 22 को लेकर के और किस तरीके से अखिलेश यादव की लहर फिर से आई? झूम के लहर है, ये आपको भी दिख रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है एक ही लहर, आज ये लगता है आधुनिक युग का गांधी आ गए। गांधी जी को देखना तो श्री अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, जो कहते हैं वो करते हैं। किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, फर्क साफ नजर आता है, इसके बारे में क्या? देखो, पोस्टर तो पेट्रोल पंप पे भी लगे हैं, पोस्टर से कोई फर्क नहीं है। पोस्टर ये जो लगा कर रखे हुए हैं, आज जो जनमानस है, जो आम जनमानस है, उसने एक मूड बना लिया है, उसको साइकिल दूर से दिख रही है और साइकिल का बटन दबाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आने वाले चुनाव के लिए आम जनता से क्या अपील?
आम जनता से यही है कि किसी के बहकावे में ना आवे, और जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उस पर विश्वास दिखाएं, और जो समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार ने करके दिखाया है उससे अत्यधिक आपके वादों को पूरा किया जाएगा। और जनता को सिर्फ एक चीज़ है कि श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ देना चाहिए और पूर्णतया भाजपा का सफाया करना चाहिए। तो आज हम लोग आए थे यहाँ पे दारुलसफा में, जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के बहुत से लोगों का मनोनयन हुआ, जिस तरीके से सचिव का पद दिया गया नसीम कुरैशी जी को, उनसे तो बात हम लोगों ने करी किस तरीके से उन्होंने 2022 के लिए तैयारी करी हुई, और पूरे प्रदेश में एक बार फिर से अखिलेश यादव की लहर आएगा ऐसा दावा है समाजवादी कार्यकर्ताओं का। तो वो तो भविष्य पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार, वर्तमान सरकार फिर से आएगी या परिवर्तन होगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्यपाल कश्यप जी जिंदाबाद।